हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MICS टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैनल में MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगी। यदि आपको मेरे बताए हुए ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने के लिए हमें ऑफिस वर्ड को खोलना रहेगा। ऑफिस वर्ड 2007 हमने इसको खोल लिया है। खोलना मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा। जैसे ही हम इसको खोलते हैं, सबसे ऊपर हाईलाइट होती है हमारी टाइटल बार, जिसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में ऑफिस बटन है, जिसमें ऑफिस रिलेटेड सारे ऑप्शन होते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो पूरी पट्टी है ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, क्योंकि हम बाहर से ही इसमें सारे काम कर लेते हैं। और ये जो बटन है ये क्विक एक्सेस का बटन कहलाता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, इन तीनों बटनों का जो ग्रुप है इन्हें हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा हेल्प बटन है। यहीं पर हम देख रहे हैं एक स्काई ब्लू कलर की पट्टी आ रही है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये हमारी मेन्यू बार, और इसको टैब्स भी कहा जाता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट एटेक्स्ट्रा। होम टैब में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ग्रुप्स, ये जैसे होम टैब है इसका ग्रुप है क्लिपबोर्ड, और इसका ग्रुप है फॉन्ट, और इनके सब अलग अलग ऑप्शन, जैसे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि। यहाँ पर ये जो चौड़ी सी पट्टी दिखाई दे रही है आपको, रिबन बार कहलाती है हमारी। चौड़ी पट्टी पूरी रिबन बार है। ये हमारी रूलर है, जैसे स्केल है ये हमारा, ये रूलर है। इससे हम इस बटन से इसको अनहाइट और हाइट दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रॉल बार, जिसे हम अपनी विंडो को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। ये जो एरिया है ब्लैंक एरिया, इसे हम टेक्स्ट एरिया के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लिंक हो रहा है, जो डंडी एक छोटी छोटी ब्लिंक हो रही है, इसको कर्सर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर की पट्टी है दोस्तों, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ये पांच बटन है ये व्यू बटन कहलाते हैं। जैसे हम अपनी विंडो को किस किस फॉर्म में देख सकते हैं, ये उसके लिए ये ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये जूम स्लाइडर है, जिसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे तो हमारी विंडो का जो साइज है वो माइनस यानी छोटा होता जाएगा, और प्लस की तरफ इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, जितना हम चाहें बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ये जो बीच में पॉइंट है इस पे रखते हैं, जिससे कि हमारे पेज का साइज नॉर्मल रहे। सबसे लास्ट में ये जो डार्क ब्लू कलर की पट्टी है, इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। इसमें टाइम, डेट और इधर हम क्विक लॉन्चर, हमारे कुछ ऑप्शंस हैं वो हाईलाइट रहते हैं। तो मैंने आपको आज ऑफिस के ऑप्शंस बारे में बताया कि किसको क्या कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ये वर्क कैसे करते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शंस है, जैसे ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आए हैं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या है, न्यू। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने न्यू का डायलॉग बॉक्स खुल गया। न्यू का क्या मतलब है, नया। जैसे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ब्लैंक ले लीजिए। लेकिन आप जैसे ये तो आप ले लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ब्लैंक एंड रिसेंट, इंस्टॉल टेम्पलेट्स, माय टेम्पलेट्स। अब जैसे आपको रिसेंट चाहिए तो रिसेंट की आपकी कोई फाइल इसमें नहीं पड़ी है तो ये ऐसे ही है। इंस्टॉल टेम्पलेट्स चाहिए तो इंस्टॉल भी, यहाँ पे कुछ इंस्टॉल देख पा रहे हैं आप, टेम्पलेट्स हैं ये। आपको जौन सी भी फॉर्मेट चाहिए हो आप वो वाला वीडियो ले सकते हैं। जैसे लिख के आ रहा है आप देख रहे हैं, रिज्यूम के फॉर्म में चाहिए, फैक्स के रूप में चाहिए, जो भी आपको पेज चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप जो फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट दिखाई देता रहेगा। लेकिन आप अगर नया नया ऑफिस सीख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी ब्लैंक ही डॉक्यूमेंट लें, जिसपे आप वर्क करना सीख पाए। उसके बारे में मैं आपको सबके बारे में कैसे वर्क किया जाता है, कौन सी टेम्पलेट्स में, वो आपको बताऊंगी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे ही मैंने लिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ गया है डॉक्यूमेंट 2, और इससे पहले लिखा था डॉक्यूमेंट 1। इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल एन, आप कंट्रोल एन भी करके यहाँ पे नई विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे है ओपन, ओपन का मतलब फाइल ओपन करना। देखिए शॉर्टकट लिख के आ रही है कंट्रोल ओ, तो जैसे आपको यहाँ से कोई फाइल ओपन करनी है, ये वाली फाइल ओपन कर देखते हैं। ये देखिए फाइल एक ओपन हो रही है आपके सामने, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। और वैसे भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का वो खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स टाइप। वहाँ पे आपको फाइल कहाँ डेस्कटॉप में से लेनी है या किसी ड्राइव में से लेनी है, आप यहाँ से आप डाल दीजिए आपको कहाँ से लेनी है, वही फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे ये खुला है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डेस्कटॉप में फाइल है, म्यूजिक पिक्चर्स में, वीडियो, जो भी आपको यहाँ से लेना हो लेके ओपन कर लीजिए, खुल जाएगी। फिलहाल हमने एक ओपन कर लिया तो इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन है सेव।
सेफ का मतलब होता है फाइल को सुरक्षित करना। जैसे हमारे पास में एक विंडो है अपनी पुरानी, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हमने एक फाइल जनरेट कर ली है यहाँ पे, ये हमने फाइल को जनरेट कर लिया, ये मैंने शॉर्ट से एक फाइल को जनरेट कर लिया है। अब मैं इसको फाइल को सेव करूंगी, तो आप सेव यहाँ से भी देख से कर सकती हूँ और कंट्रोल एस से भी, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे शॉर्टकट लिख के आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेव का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अभी जैसे ही हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा, हमें वो पूछेगा कि आपको फाइल नेम, आपको फाइल किस नाम से सेव करनी है। जैसे हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, पूछता है आपको किस नाम से डालना है, कहाँ डालना है, मोबाइल में डालना है या सिम में डालना है। सेम वही प्रोसेस, जैसे मैंने MICS टेक एजुकेशन है, तो मैंने इसको MICS टेक एजुकेशन के नाम से ही डाल दिया है फाइल। और कहाँ पे डाला है मैंने इसको, जैसे कि डेस्कटॉप पे डाल देते हैं आपको समझाने के लिए, मैंने इसको डेस्कटॉप में आके ये सेव कर दिया है, फाइल हमारी सेव हो गई है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे ये जो टाइटल बार है, देखिए वही नाम आ जाएगा जिससे मैंने फाइल सेव करी है, MICS टेक एजुकेशन। अब मैं जैसे ही इस फाइल को क्लोज करूंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि MICS टेक एजुकेशन की जो फाइल है वो हमारे डेस्कटॉप पर बनी दिख जाएगी। इसको ओपन करके देख लेते हैं, फिर राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से ऑफिस ओपन किया जाता है, कैसे उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन का क्या क्या रोल है, क्या क्या नाम है, और ऑफिस बटन के हमने तीन ऑप्शन को पढ़ा, न्यू, ओपन और सेव। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे के ऑप्शन इसी तरह मैं आप इस पास में लाती रहूंगी। ये देखिए, ये आपके सामने वर्ड की जो फाइल मैं सेव करी थी MICS टेक एजुकेशन के नाम से, वो ओपन हो रही है। ये थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसमें, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।